करेंगे वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक राशि में राहु केतु का जो गोचर बदलने वाला है 23 सितंबर 2020 को केतु जी महाराज आएंगे धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में, और मिथुन राशि को छोड़कर राहु जाएगा वृषभ राशि में। इसका क्या प्रभाव आपके लग्न में राशि पर रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए जी, धनु राशि से जब राहु लग्न में जाएगा आपके वृश्चिक राशि में, केतु आपके जब लग्न में जाएगा तो लग्न में विराजमान रहेगा, और केतु लग्न में जब रहेगा तो पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेगा। तो मतलब अगर शादी हो चुका है, शादीशुदा लाइफ है, तो आपके बच्चा होने का योग बनता है, ऑपरेशन से होगा बच्चा। केतु क्योंकि ऑपरेशन करवाता है, ऑपरेशन का कारक ग्रह है, चीरफाड़ का कारक ग्रह है केतु, तो आपके ऑपरेशन होने के योग बनते हैं। माथा सर पर कोई चोट चपेट लग सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। आँख में थोड़ी बहुत दिक्कत समस्या आ सकती है, क्योंकि केतु आँख को छोड़कर आपके लगन में आएगा तो थोड़ी बहुत समस्याएं आपको आ सकती है। सात्विक दृष्टि से आपके डेली रूटीन को देखेगा तो उसमें थोड़ा बहुत डेली रूटीन लाइफ आपका डिस्टर्ब रह सकता है, उसके लिए आप ध्यान रखें। नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य में थोड़ी बहुत तरक्की जरूर लेके आएगा। वहीं राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान है डेली रूटीन लाइफ में, तो आपका मन चंचल रहेगा, एक जगह आपका मन नहीं लगेगा, तरह तरह आपका मन भागेगा, लेकिन व्यापार में तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसमें आपको लाभ मिलेगा। पांचवी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा तो व्यापार में लाभ, शादीशुदा जिंदगी में आपके उतार चढ़ाव जो थे उसमें लाभ मिलेगा, उसमें आपकी तरक्की होगी। वहीं सातवीं दृष्टि से आपके लगन को देखेगा तो आपका मन चंचल बनाएगा और आपको मन एक जगह नहीं रहेगा। वहीं नवीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेगा तो पराक्रम भाव को देखने से आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा और भाई बहन में आपका प्रेम बढ़ेगा और कम्युनिकेशन पावर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो के नीचे आप अपना कुंडली का डिटेल देकर कुंडली से रिलेटेड समस्या पूछ सकते हो। धन्यवाद।